सो फ्रेंड्स, ये जो आपको मिक्स वेजिटेबल की सब्जी दिख रही है, यह है झाल फ्रेजी, जिसको हम अपने लैंग्वेज में सब्जियों का झाल बिछाएंगे, लेकिन बांग्ला में झाल का मतलब होता है स्पाइसी। तो फ्रेंड्स, झाल फ्रेजी के लिए जो मैंने मीज़ा किया हुआ है वो ये है, जिसके लिए मैंने कटिंग सारी पहले से करके रखी हुई है, जो बैटरनेट कटिंग कर रखी है, एकदम जूलियन नहीं कर रखी है। आप लोग देख सकते हैं, ये बीन्स, गाजर और गोभी है जो मैंने हल्का मोटा मोटा काट रखा है। मैं इसको ब्लांच करूँगा, आप चाहे तो सारी सब्जियाँ सौते भी कर सकते हैं। ये तीनों प्रकार के कैप्सिकम हैं, रेड, येलो, ग्रीन। और ये मैंने स्लाइस प्याज और थोड़ा कैबेज और पनीर काट के रखा हुआ है। ये दो प्याज मैंने चॉप करके रखे हुए हैं, और ये दो टमाटर हैं जिनको हमने मिक्सी में पीसना है। टमाटर मिक्सी में पीस लिए हैं, और जो तीन सब्जियाँ थी वो मैंने हल्की ब्लांच कर ली हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे झाल फ्रेजी का तड़का, हम बनाएंगे ग्रेवी। जिसके लिए मैंने एक पैन में लिया है ऑयल, और तड़के जो इसमें तड़का मारेंगे हम वो होगा रेड चिल्ली होल, और रेड चिल्ली होल के साथ हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो धनिया ऐड करना है वो होल नहीं डालना है, आपको इसको हल्का सा क्रश कर लेना है। और इसके साथ हमें डालना है इसमें गार्लिक और जिंजर, जो मैंने चॉप करके डाला हुआ है, आप चाहे इसका थोड़ा सा पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद अब हम इसमें करेंगे साबुत जीरा ऐड। तो यह है झाल फ्रेजी का तड़का। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि जो जिंजर गार्लिक की अरोमा है वो थोड़ा सा अच्छे से आए सब्जी में। जैसे ही ये थोड़ा सा पकेगा, इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज, जो हमने दो अनियन जो है चॉप करके रखे हुए थे। अब हमने इसको अच्छे से पकाना है, एकदम इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, एकदम इसमें ब्राउन कलर नहीं लाना है, इसको हल्का कच्चा छोड़ना है, क्योंकि जो हमारी झाल फ्रेजी होती है वो एकदम स्पाइसी और हल्की टैंगी फ्लेवर वाली होती है, तो इसमें हल्का कच्चे प्याज का फ्लेवर होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज जो है एकदम अच्छे से पक रहा है, झाल फ्रेजी ग्रेवी एकदम फर्स्ट क्लास बनेगी इससे। आप अगर इस तरीके से झाल फ्रेजी बनाएंगे तो जो झाल फ्रेजी का टेस्ट है बहुत ही शानदार आएगा। आप लोग इस रेसिपी को इजीली अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। हम जो अभी बना रहे हैं, शेफ़ लैंग्वेज में है चॉप मसाला। अब इसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा हल्दी, देगी मिर्च और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर। हमने मसाले भी ऐड कर लिए हैं इसमें पहले ही, तो अब इनको थोड़ा सा पका लेंगे मसालों को। और मसाला थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी टोमेटो प्यूरी। देखिए, हमने अपनी टोमेटो प्यूरी भी जो है ऐड कर ली। इसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करने के बाद, ये देखिए इस तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। सो फ्रेंड्स, अब इसको हमने जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा हल्की से पका लेनी है, ताकि टमाटर का कच्चा फ्लेवर चला जाए। और इसमें अब हमने तुरंत ऐड कर लेना है अनियन, क्योंकि जो हमारा कच्चा है थोड़ा सा ग्रेवी के साथ पक जाएगा, अनियन और कैप्सिकम तीनों प्रकार की, क्योंकि अभी ये कच्चा है तो ग्रेवी के साथ हल्का सौते हो जाएगा, पक जाएगा हल्का सा। तो देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा 2 से 3 मिनट इसको पका लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेवी में अच्छा मॉइस्चर है तो वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इतना पकाना है, हल्का सा पक गई। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया कैबेज, क्योंकि कैबेज भी हमारा कच्चा ही है, तो कैबेज तो पक जाता है आसानी से। अब हमने इसमें ऐड करी अपनी मिक्स वेजिटेबल, जो हमने ब्लांच करके रखी हुई थी, गोभी, बीन्स और गाजर। इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड कर लिए हैं पनीर। आप लोग कटिंग देख सकते हैं, एकदम फाइन जूलियन नहीं करना है, बैटरनेट कटिंग करनी है, क्योंकि साबुत होना चाहिए, खिचड़ी नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल सब्जी के टुकड़े अलग अलग होने चाहिए। जिसमें मेन इंग्रेडिएंट है हट के वो है ये टोमेटो केचप, इसी से हमारा टैंगी फ्लेवर जो है वेजिटेबल में आएगा, और टोमेटो केचप इसको अलग बनाएगा।
और यह है धनिया पत्ता। अब इसमें आप लोग लैडल जो है कम यूज हो उतना हो, क्योंकि तो पनीर बिल्कुल टूट जाएगा। इस तरीके से हमने सब्जी मिक्स कर लेनी है और ये हमारी झाल फ्रेजी रेडी हो चुकी है।